हेलो बच्चों, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। अब मैं आपको पावर पॉइंट में बताने जा रहा हूँ। जैसे मैंने पावर पॉइंट पे क्लिक किया तो हम इंसर्ट पे काम कर रहे थे, तो मैंने पिछली वीडियो में आपको पिक्सल्स पिक्चर के बारे में बताया था कि हम पिक्चर किस तरीके से लेके आते हैं, किस तरीके से इमेज, किस तरीके से वॉलपेपर, किस तरीके से आप अपना फ़ोटो भी लेके आ सकते हैं। तो इसके बाद हमारा चलता है क्लिप आर्ट। मैंने क्लिप आर्ट पे क्लिक किया तो ये हमारा है यहाँ इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप। तो हम कौन सी, मतलब आप किसी भी फोल्डर पे या किसी भी इस पे सिलेक्ट करते हो। मैंने किया गो पे क्लिक तो ये काफ़ी सारी इमेज आ रही हैं आपकी, तो आप कोई भी इमेज उठा के यहाँ रख सकते हैं, उस पर काम कर सकते हैं। तो जैसे इस तरीके से, तो आप इसका साइज़ छोटा बड़ा जो भी करना है आप कर सकते हैं। इस तरीके से इसको उठा के आप कहीं पर भी रख सकते हैं। तो इसमें ये है कि ये काफ़ी सारी इमेज हैं आपकी। अब जो नए नए जो सॉफ्टवेयर आ रहे हैं उसमें क्या है कि हम यहाँ से पिक्चर ले सकते हैं, अपनी इच्छा की कोई नई भी इमेज दे सकते हैं। तो ये क्लिप आर्ट वाली पिक्चर हैं, कार्टून जैसे होते हैं इस तरीके से आप पिक्चर शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं होम पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया यहाँ न्यू स्लाइड ब्लैंक पेज। मैंने एक ब्लैंक पेज लिया इस तरीके से, फिर मैं इंसर्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। अब मुझे करना है स्क्रीन शॉट। तो मैंने क्या करा कि मुझे कोई स्क्रीन शॉट शो करना है, तो मैंने स्क्रीन शॉट ऑप्शन पे क्लिक किया यहाँ इस तरीके से, तो ये डेस्कटॉप आ गया। तो मैं कितना एरिया लेना चाहता हूँ, तो जैसे मुझे इतना एरिया चाहिए ग्राफिक टीचिंग आर्ट का, मैंने इतना एरिया ले लिया। तो इसने स्क्रीन शॉट करके दे दिया मुझे कि कितना एरिया मुझे चाहिए स्क्रीन शॉट के अंदर। अगर आप इसमें कोई लिंक देना चाहते हैं, जैसे मैं इंसर्ट पे क्लिक किया, मैंने यहाँ इंसर्ट शॉर्टकट की तो ये शॉर्टकट हो गया। इस तरीके से मैं फर्स्ट पेज जो है उसको करता हूँ डिलीट। मैंने जैसे डिलीट डिलीट स्लाइड पे क्लिक किया इस तरीके से। अगर आप इसमें कोई लिंक देना चाहते हैं, जैसे यहाँ हाइपर लिंक शो कर रहा है, जैसे मैंने हाइपर लिंक पे शो करा इस तरीके से, तो मैं यहाँ जाके करता हूँ कि मुझे इसमें कोई लिंक देना है। जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, आप यहाँ से कोई भी पिक्चर ले लेते हैं, कोई भी इमेज, आप कोई भी लिंक उठा सकते हैं। ओके करता हूँ मैं, जैसे ये लिंक ले लिया मैंने। इसमें आप यहाँ फाइल में गए, मैंने किया यहाँ सेव एस, मैंने सेव एस पे क्लिक किया। तो जो भी आप लिंक शो करते हैं वो हम पीडीएफ पे दिखा सकते हैं। तो जैसे मैंने डेस्कटॉप पे क्लिक किया, आपने किया पीडीएफ फाइल, आप कोई भी फाइल का नाम दे सकते हैं। सेव कर देता हूँ मैं इस फाइल को, तो ये एक इंटरनेट का पेज ओपन कर देता है इस तरीके से। तो मैं माउस से लेफ्ट क्लिक कर रहा हूँ तो जो भी मैंने लिंक दिया है इस तरीके से वो लिंक यहाँ शो कर देगा। तो आप इस तरीके से किसी भी टेक्स्ट में अपना लिंक शो कर सकते हैं। आप चाहें तो किसी भी, जैसे स्क्रीन शॉट करके मैंने इस इमेज में लिंक दिया है, आप इस तरीके से भी लिंक दे सकते हैं। इसके बाद आपका चलता है इसमें आपका आगे, ये जैसे मैं फ़ोटो एल्बम पे क्लिक करता हूँ, मैंने किया न्यू फ़ोटो एल्बम पे क्लिक, तो ये शो करता है कि मुझे यहाँ से भी मैं कोई फ़ोटो शो कर सकता हूँ। तो फाइल पे क्लिक करता हूँ कि मुझे कहाँ से फाइल उठानी है, जैसे मुझे ये फ़ोटो चाहिए, इंपोर्ट करता हूँ मैंने, क्रिएट पे क्लिक किया, तो ये इस तरीके से दूसरे पेज में ऑटोमेटिक ये इमेज आ गई है। आप यहाँ इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं और इसके ऊपर अगर चाहें तो आप कुछ लिख सकते हैं। तो ये मेरी वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।